दो क्रिएटिव लोगों में हो गई है लड़ाई। नहीं, ऐसा नहीं है जो आपने पहले कभी देखा होगा, कोई प्री वेडिंग सेटअप नहीं है। हमने अच्छे अच्छे शॉर्ट्स प्लान किए हैं। पागल हो गए ये लोग, पागल पागल। इन लोगों की लड़ाई भयानक हुई है आज। हेलो एवरीवन, मैं शुभ्रा और आप देख रहे थे कैमरा स्टोरी। और अभी हम जा रहे हैं बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी प्री वेडिंग शूट करनी, और लोकेशन बहुत ही डिफरेंट है। मतलब कोई प्री वेडिंग सेटअप नहीं है, और मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने पहले कभी देखा होगा। मतलब हमारे शूट्स में ऐसा सेटअप आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सिने पारस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे थे कैमरा स्टोरी और मैं हूँ अपना आपका अपना हिमांशु। सीन कुछ ऐसे हैं, आज हम आए हैं वो आपको बताएंगे पारस भाई। आज हम आए सेंट्रल फ्लावर वैली में, सेंट्रल प्लाजा फ्लावर वैली जो गुड़गांव, नहीं गुड़गांव नहीं, जो कि पड़ता है अपना सोना में। काफ़ी अच्छी लोकेशन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब देखते हैं, चैलेंज बहुत है, रैकी कर ली है लोकेशन की। लेट्स सी क्या मैक्सिमम निकाल सकते हैं। ये सोसाइटी बहुत ज्यादा सुंदर है। हम लोग यहाँ पे बहुत देर से शूट कर रहे हैं और मैं व्लॉग करना भूल गई। शाबाश बेटा, अच्छा मौसम भी बहुत अच्छा है। और यहाँ ना ये पोल्यूशन से ऐसे फॉगी फॉगी सा हो रहा है, जो कि हम ऐसे फील दे रहे हैं कि ठंड वाला है। और अभी हम करने वाले हैं बाइक वाले शॉट्स ड्रोन से, और दिखाएंगे आपको फाइनल शॉट्स कैसे आते हैं। तो यहाँ हो रही है ड्रोन की सेटिंग। फिलहाल के ये अपडेट्स हैं कि दो क्रिएटिव लोगों में हो गई है लड़ाई क्रिएटिविटी को लेकर के। दोनों लगे पड़े हैं बहस करने, ब्राइड गई है ड्रेस चेंज करने, और अभी हमें उसके लेने कार वाले ड्रोन के शॉट्स और कुछ और हमने अच्छे अच्छे शॉट्स प्लान किए हैं। और ये देखो लड़ाई टूल पकड़ती जा रही है लड़ाई। हम लोगों ने बहुत ही घनघोर क्रिएटिविटी दिखाई, बहुत ही मज़ेदार प्यारा सा शूट हुआ है। और अभी हो रहा है, रात हो गई है, और रात में यहाँ पे बहुत ही कमाल की लाइटिंग हुई है, और उस लाइटिंग में हमने बहुत ही मस्त मस्त से शॉट्स निकाले। और पता है, मैं हर प्री वेडिंग में प्लान करती हूँ कि अगले प्री वेडिंग में मैं ओडोमॉस लगा के जाऊँगी, और हर बार भूल जाती हूँ। तो भी जैसे ही रात हुई है, मच्छरों ने मुझे नोचना शुरू कर दिया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इन लोगों की लड़ाई भयानक हुई है आज, और लड़ाई खत्म ही नहीं होने को मान रहे हैं। ना वो चुप हो रहे, ना ये चुप हो रहे, लड़े जा रहे। बाय द वे, अभी के मुझे अपडेट दे रहे थॉमस, मेरी बात सुनो, टेक्सचर की नॉलेज नहीं है दाजू, तमने यार टेक्सचर की नॉलेज नहीं है। टेक्सचर नहीं, वो यहाँ थोड़ा लाइटिंग यार, ये तो एक जगह पे लेट के शॉट्स लेने थे। कपल ऑलमोस्ट रेडी थे, कपल लेकर के हम लेट जाएंगे। हिमांशु को चिंता थी कपल के कपड़े गंदे हो जाएंगे। वो कोई लॉजिक ही नहीं बनता ना, ऐसे तो ना लेट। क्या बात कर रहे हो, सरकारी बात तो कुछ एक पॉइंट ऑफ व्यू देखो। मैंने क्या बोला था, लेट नहीं, मैंने कहा कि उस जो वाटर, ये क्या नाम है, फाउंटेन जो आ रहा है अपर एंगल से, देख कैसा आता है वो। तो ठीक है, पर बात वो मतलब कोई दोनों में से कोई हार मानने को नहीं तैयार है। लड़े पड़े। ये बहुत ऑकवर्ड था सच में। करा रहे थे वो कुछ नहीं था, थोड़ा सा हमने डाल दिया था जो यार तुमने समझे नहीं यार। अब हम लोग जा रहे हैं अगली लोकेशन पे, और ये लड़ाई अभी होती रहेगी, और हम आपको अगले शॉट में दिखाएंगे ये लड़ाई कहाँ तक पहुंची। ये देखो पागल आदमी कह रहा है बस इतना पैसा कमाना है कि ऐसा घर बना ले, और उसमें लगा दे लिफ्ट, उसमें लगा दे लिफ्ट, क्योंकि ये महाअलसी है। महाअलसी, अलसी की शक्ल देखो, ये हमारे जोशी जी, घोर अलसी इंसान। ये आज का बेस्ट शॉट होने वाला है। हाँ मैं आ रही हूँ फ्रेम में, तो फिर अभी मुझे आना पड़ेगा ऊपर। आज की प्री वेडिंग का जो हमारा एक्सपीरियंस है बहुत अलग रहा, बिल्कुल ही नई जगह को हमने एक्सप्लोर किया है। मतलब ये रेजिडेंशियल सोसाइटी है और ये बहुत खूबसूरत है। तो जब मैं यहाँ मीटिंग करने आई थी ना, हमने तभी प्लान करा था कि हम यहाँ पे कुछ शॉट्स ज़रूर लेंगे, और मुझे ये नहीं पता था कि हम पूरा एक फुल डे का प्री वेडिंग यहाँ पर प्लान करेंगे, और जो आउटकम आने वाला है ना, आई एम श्योर
गारंटीड कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग आएगा। दोनों की लड़ाई, दोनों ने पागल होकर लड़ाई करी है आज। और अब खूबसूरती तो दिखाओ, खूबसूरती दिखाओ भाई, आगे लो घर, और आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।